चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज़। लेकिन उसके पहले दोस्तों अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। आई होप आपका जो आज का इंडिपेंडेंस डे था बहुत अच्छी तरह से बीता। और कल संडे है, ये आज की आखिरी मतलब इस हफ्ते की आखिरी न्यूज है, मंडे से फिर से चालू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आज बहुत जबरदस्त खबरें लेके आए हूं आपके लिए, इतनी खबरें जबरदस्त हैं पूछिएगा मत, सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पोल। पोल में पूछा था कि ये जो बैन किया फोर्टनाइट को एप्पल ने और गूगल ने, इन दोनों में से गलती किसकी है, फोर्टनाइट की या फिर एप्पल गूगल की? दोस्तों शायद आपको सवाल समझ में नहीं आया क्योंकि 68% लोगों ने कहा कि हमें पता नहीं है, वी डोंट नो। सरप्राइजिंग 12% लोगों ने कहा एप्पल गूगल की गलती है एंड 21% लोगों ने कहा फोर्टनाइट की। और मैंने बताया था आपको कि मैं बताने वाला हूं आज, मुझे लगता है ये फोर्टनाइट की गलती है। उनके ऐप स्टोर हैं, उसके ऊपर आप ऐप डाल रहे हो तो थोड़ा तो आपको देना ही होगा, पूरा का पूरा पैसा आप नहीं ले सकते हो। आपने ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हुए हैं, कम ऑन यार, डू दैट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हो गए हैं पोल खत्म, बात करते हैं पहली बड़ी खबर की दोस्तों, और वो आती है आज के इंडिपेंडेंस डे के बारे में। जी हाँ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आज अनाउंस किया कि अगले 1000 दिनों में, नेक्स्ट 1000 डेज, एवरी विलेज मतलब हर एक जो भी गांव होगा, कम से कम 6 लाख गांव जो है फाइबर ऑप्टिक से कनेक्टेड होंगे। यस, एंड दैट इज अ बिग थिंग दोस्तों, क्योंकि अगर इंडिया की जीडीपी बढ़ानी है, हमें ग्रो करना है, इकोनॉमी बढ़ानी है, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए ये फाउंडेशन है, लेइंग फाइबर ऑप्टिक केबल इन ऑल द विलेजेस, दैट्स वेरी गुड न्यूज। चलिए दोस्तों इंडिपेंडेंस डे के बारे में बात कर रहे हैं तो बात करते हैं जियो के इंडिपेंडेंस डे ऑफर के बारे में। अब वो 5 महीने आपको डेटा फ्री दे रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसमें बट तो होगा ही, आपको जो उनका जियो वाईफाई का जियो फाई, ये जो होता है पर्सनल हॉटस्पॉट, वो खरीदना है 1999 में, और उसके बाद में 5 महीने तक आपको मोबाइल डेटा जो है फ्री मिलेगा। 3 अलग अलग प्लान है, जो भी आप चूज करोगे उसमें से आप ले पाओगे। दिस इज जियो इंडिपेंडेंस डे प्लान। वैसे दोस्तों आजकल इतने कुछ खास प्लान्स नहीं आ रहे, मुझे याद है 2 साल पहले 2017 में वगैरह सब जियो के प्लान्स के बारे में बात करते थे, इंक्लूडिंग अस, लेकिन आजकल बढ़ रहे हैं प्राइसेस। दोस्तों अगली न्यूज देने से पहले एक चीज, स्मॉल रिमाइंडर, अगर आपको हमारी टेक न्यूज अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छी नहीं लगती है नो प्रॉब्लम, पूरी टेक न्यूज देखिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा 1 घंटे के अंदर, यू नो व्हाट हैपेंस। दोस्तों टिकटॉक जाने के बाद सभी कंपनीज जो है, यू नो दे आर लिटरली इम्पेशेंट उनका एक टिकटॉक लॉन्च करने के लिए। फेसबुक अभी इंस्टाग्राम में तो रील्स आ गया है, अब फेसबुक खुद का शॉर्ट वीडियोस ला रहा है। इनफैक्ट अगर आप फेसबुक पे जाओगे तो आपको शॉर्ट वीडियोस नाम का एक फीचर मिलेगा, एग्जैक्टली सेम लाइक टिकटॉक। जी हाँ, जाके देखिए आपको पता चल जाएगा, सब जगह पर हमें टिकटॉक स्टाइल शॉर्ट वीडियोज मिलने वाले हैं बेसिकली। दोस्तों सिर्फ फेसबुक ही क्यों, Zee5 का हिपी नाम का एक नया टिकटॉक क्लोन जो है वो लॉन्च किया है, और उनसे पूछा गया Zee5 से कि भाई क्या अलग है, इतने सारे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 400 इन्फ्लुएंसर्स पहले दिन से हमने गिने चुने जो अच्छे अच्छे लोग हैं, क्रिएटर्स हैं, उनको लिया हुआ है इस हिपी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और हम इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे वीडियोज आपको मिलेंगे हिपी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, द वे वी शॉप। कल ही मैंने बताया कि कितने ज़्यादा लोग अब ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, लोग शॉप्स में नहीं जा रहे हैं, इसलिए सैमसंग ने क्या किया, सैमसंग ने किया कि एक्सपीरियंस सैमसंग एट होम, ये एक नई चीज़ लेके आए हो, जहाँ पे लिंक दे रहा हूँ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको कोई प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करना है सैमसंग का, आपको सिर्फ रजिस्टर करना होगा और सैमसंग के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे आपके घर पे और दिखाएंगे एक्चुअली प्रोडक्ट को कैसे चलता है, और उसके बाद में आप डिसाइड कर पाओगे कि भाई बाय करना है या नहीं। जी हाँ, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस। चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन्स की। जी हाँ, नोकिया 5.3 ऐसे लग रहा है बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, क्यों, क्योंकि उनके जो वेबसाइट है उसके ऊपर उसका पेज लाइव हो गया है। What does that mean? That it is going to launch very very soon. दो अलग अलग कलर्स में दिखते हैं, उसके फोटोज वगैरह भी आ गए हैं। सर्कुलर पीछे की तरफ कैमरा हाउसिंग है, दिखने को बहुत अच्छा है। इनफैक्ट दो कलर जो मैंने देखे, ब्लू एंड ब्रॉन्ज कलर है दोस्तों, लुकिंग ब्यूटिफुल। ये वैसे 665 प्रोसेसर पे होने वाला है, 4GB RAM, 64GB स्टोरेज वगैरह है, दिखने को बहुत अच्छा है। वाटर ड्रॉप नॉच होने वाली है, अब आने के बाद ऑब्वियसली आपको सब कुछ जरूर बताएंगे।
और दोस्तों मोटरोला का मोटो E7, जी हाँ, ये जो E सीरीज होती है बजट सीरीज होती है और इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस लीक हो गए हैं और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से दोस्तों इसमें आने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर एंड 4GB रैम, 64GB स्टोरेज वगैरह होगा, अलग अलग वेरियंट्स वगैरह आने वाले हैं। अच्छा लग रहा है, अब ऑब्वियसली आने के बाद पता चल जाएगा कितने गेम्स खेलते हैं हम लोग। क्रेजी क्रेजी अमाउंट ऑफ पीपल आर प्लेइंग गेम्स। जी हाँ, एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में अब पता है कितने गेमर्स हो गए हैं जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, 3 बिलियन। दोस्तों पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कुछ 7.5 बिलियन है, उसमें से 3 बिलियन लोग गेम्स खेलते हैं और उसमें से 54% लोग एशिया में है और इंडिया एशिया में, इंडिया और चाइना ही जो उनकी जो पॉपुलेशन है दोस्तों, द अमाउंट ऑफ मोबाइल गेमर्स दैट वी हैव क्रेजी। लेकिन अच्छी बात है, बहुत सारे लोग स्पेशली ये लॉकडाउन की वजह से इतने सारे गेमिंग में घुस गए दैट इट इज ग्रोन क्रेजी। जी हाँ, एंड एशिया इज इन द फोरफ्रंट। वैसे दोस्तों ओप्पो और शाओमी के फोन्स थोड़े थोड़े कम होंगे लॉन्च, ऐसे लग रहा है। क्यों? एंड ओप्पो मैं सभी के बारे में बात कर रहा हूँ, रियलमी और उनके जो सब ब्रांड्स हैं उनके सब। क्यों? क्योंकि उनको अब इम्पोर्ट जो कंपोनेंट्स करते हैं और फिर मेड इन इंडिया यानी असेंबल इन इंडिया करते हैं उन कंपोनेंट्स को, ये जो इम्पोर्ट स्क्रूटिनी जो बढ़ गई है गवर्नमेंट ने चाइनीज के साथ हमारा जो हुआ उसकी वजह से अप्रूव नहीं हो रहे हैं ओप्पो एंड शाओमी के बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे जो आए हुए हैं उनके चाइना से इधर, वो बेसिकली यूज नहीं कर पा रहे हैं। नाउ दैट इज रियली, और ये ओप्पो शाओमी नहीं दोस्तों, मुझे लगता है बाकी के ब्रांड्स जो भी, क्योंकि सभी ब्रांड्स के जो स्मार्टफोन्स हैं उनके कंपोनेंट जो है वो चाइना से ही आते हैं और फिर इधर असेंबल होते हैं। सो दीज ब्रांड्स आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और हमें पता चल जाएगा अगले 1-2 महीनों में फोन्स अगर कम हो गए लॉन्च, वी नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। दोस्तों आज बहुत सारे लीक किए हुए हैं एक हैंडल ने, द लीक्स। यस, सबसे पहले बता दूं, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं आए हुए हैं बट बहुत ही जूसी डिटेल्स हैं, जो भी उन्होंने हैशटैग्स डाले हुए हैं बहुत जूसी है। पहले तो 8T बहुत ही जल्दी आने वाला है, OnePlus 8T, वो हमें पता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दोस्तों मीडिया टेक हीलियो G95 सितंबर में लॉन्च होने वाला है, ऐसे उन्होंने कहा है। उससे भी ज़्यादा जूसी जो लीक की है उन्होंने वो है POCO X3 के बारे में। दोस्तों POCO X3 जो है $199 to $250 के बीच में होने वाला है, इसका मतलब 15,000 से 20,000 के बीच में होगा और ये लॉन्च होगा अगले 1-1.5 महीने के अंदर। नाउ दैट इज ऑल्सो प्रिटी बिग। एंड फाइनली सितंबर में और एक लॉन्च है, और एक फोन आ रहा है रियलमी की तरफ से, Realme 7 Pro। यस, ये भी लीक आई हुई है। अब देखेंगे इन चारों चीजों में से कितनी सही होती है, बट जैसे मैंने कहा टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट आई एम प्रीटी श्योर ये सब आने वाले हैं, रियलमी 7 प्रो, POCO X3, हीलियो G95 एंड देन OnePlus 8T, अगस्त सितंबर। यस, चलिए दोस्तों हो गई है टेक न्यूज खत्म एंड लिंक्स वगैरह दिए हुए नीचे डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके देखिएगा। ये जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि भाई आज हमने जो पीछे इंडिपेंडेंस डे के लिए गुब्बारे वगैरह रखे हुए हैं वो आपको कैसे लगे। जी हाँ, आपके लिए थोड़ा चेंज और इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं तो उसके लिए हमने किया हुआ है, जरूर बताइएगा आपको अच्छा लगा क्या, और अच्छा लगा लाइक बिल्कुल 100% कीजिएगा, डोंट फॉरगेट दैट, डोंट मिस इट टुडे। चलिए दोस्तों वक्त होता है ट्रैकिंग डेक्लेरेशन का, कुछ दिखा आज की टेक न्यूज में इधर उधर आजू बाजू आगे पीछे, अगर दिखा तो ये कमेंट सेक्शन में #TDDH डालिए, टाइम स्टैम्प डालिए, स्पेशली हमें बताइए आपने क्या देखा, क्योंकि अगर आप सही हो आप जीत पाओगे पेटीएम का गिफ्ट वाउचर। और कल के हमारे पेटीएम गिफ्ट वाउचर के विनर है अनिमेश मिश्रा, कांग्रेचुलेशंस अनिमेश जी, भेजिए आपका पेटीएम का मोबाइल नंबर, हम भेज देंगे आपको आपका पेटीएम गिफ्ट वाउचर। एंड नाउ टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस टेक न्यूज, आपका नाम लेने का, हमारे सुपरस्टार्स का नाम लेने का। कल के हमारे 3 सुपरस्टार फीचर कमेंटर्स हैं, मंदार जेरे, निशान O7, पल्लव बरुआ, कांग्रेचुलेशंस, लवली 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 कमेंट्स। दोस्तों ऐसे ही रोज कमेंट्स करते रहिए, ऐसे ही रोज मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहूंगा, ऐसे ही आपका नाम लेता रहूंगा, ऐसे ही हार्ट्स लाइक्स रिप्लाईज देता रहूंगा कुछ लोगों को। चलिए दोस्तों आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 805 खत्म होती है इधर ही, अच्छी लगी यस डू दैट, सब्सक्राइब नहीं अभी तक वो कर दीजिए, शेयरिंग करना आपके हाथ में है, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग, स्टे सेफ एंड वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू।